पॉपुलर टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा अब तक कई शोज में नजर आ चुके हैं। उन्हें फैंस ने कई रियलिटी शोज में पसंद किया है। वहीं टीवी शोज के अलावा गौरव चोपड़ा ने ओटीटी और फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई है। इस एक्टर की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वहीं अब गौरव ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल अब गौरव चोपड़ा ने कहा है कि किसी की किस्मत सिर्फ इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पर है। इतना ही नहीं, अब गौरव का कोई गॉडफादर ना होने पर भी डर छलका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव ने कहा, जब आप टीवी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी भूमिकाओं को छोटा कर दिया जाना और आपका मेजर प्रमोशन से बाहर हो जाना आम बातें हैं। दुर्भाग्य से ये एक ट्रेंड की तरह जारी रहेगा जब तक कि कंप्लीट ट्रांजिशन नहीं हो जाता। मैं इस बारे में शिकायत नहीं करना चाहता कि चीजें कैसी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया में क्या फेयर है ये ऐसे ही है। एक्टर ने अपने करियर को लेकर आगे कहा, मैं आउटसाइडर था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम मेरी छत्र छाया में आ जाओ। कास्ट करते थे और निकाल देते थे। अगर मेरे पास भी कोई होता तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती लेकिन सीखना कम होता। गौरव बोले, 2006 में मुझे ब्लड डायमंड जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला था, फिर भी मैं वापस लौटा और नच बलिए में हिस्सा लिया क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी छोटी कोशिश नहीं थी। मेन बात यह है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। मेरा वर्ड इस बात से क्यों डिफाइन किया जाना चाहिए कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर हूँ। वही बात अगर एक्टर के वर्क फ्रेंड की करें तो गौरव चोपड़ा बच्चन पांडे और राणा नायडू के बाद गदर 2 में भी दिखाई देने वाले हैं। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ये एक लंबी फिल्म है, पहली वाली से छोटी है, लेकिन गाने आपको पुरानी यादों में खो देंगे और आप बाहर आकर कहेंगे कि मुझे मज़ा आ गया।